वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्निक पिक 2 आया हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर टॉप 10 ने वीडियो बनाया, तो यहाँ पर वो देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, कहा गया ये रहा टॉप 10 प्रीमियर 4.9 स्निक पिक 2 डेडपूल लव्स चिमी चेंजेस, क्या लिखा हुआ पता नहीं, वो देखना पड़ेगा ओपन करके, तो वहाँ पे मैं बाद में देखता हूँ। तो सबसे पहले कुछ कमेंट्स है उसका मैं आंसर देता हूँ आपको। कुछ ऐसे कमेंट्स दिखा दो जो बहुत कॉमेडी और हटके है, देख लो पहले, उसके बाद में स्निक पिक के बारे में बाद में बात करूँगा। दिखा दो, देखो वो भी इसी वीडियो में बताऊँगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। गेमिंग भी विक्की बोलते हैं, ब्लैक होल्डर की टीम ख़त्म हो गई है। नहीं भाई, अभी सुपर जायंट बाकी है। आपने अल्टीमेट वर्ल्ड वॉर्स में देखा होगा, सॉरी वहाँ पर देखा होगा कि सुपर जायंट की जो स्टेज है वो अभी लॉक है, यानी जब एंड गेम आ जाएगा तब सुपर जायंट की जो स्टेज है वो भी ऑन हो जाएगी। इसका मतलब सुपर जायंट अभी बाकी है। यार कैप्टन मार्वल से आपको प्रॉब्लम क्या है? मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसने, मैंने जितने भी एनिमेटेड सीरीज़ में कॉमिक में देखा है, उसने हमेशा किसी न किसी कैरेक्टर की, किसी न किसी ऐसे पावरफुल बंदे की, मेन हीरो की बेइज्जती की है, उस वजह से मुझे वो पसंद नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट करती या चल उठ के अपनी पावर शो करने के लिए या कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है ये शो करने के लिए अगर लड़ती या मुकाबला करती तो ठीक है, बात समझ में आती थी। लेकिन बिना वजह किसी की इंसल्ट करना, बिना वजह किसी की करना, वो गलत है। तो इसलिए मैं उसको पसंद नहीं करता। और ख़ास तरीके से आपने देखा होगा कैप्टन मार्वल का कितना अकड़ है, वही अकड़ पाना मुझे पसंद नहीं है। अरे भाई, तू अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो खुद पे कंट्रोल रख, अनकंट्रोल मत हो। अगर खुद इतनी ताकतवर है तो एग्जांपल थॉर को ही देख लो, थॉर इतना ताकतवर है लेकिन उसने कभी भी इतना अकड़ नहीं था। हाँ, स्टार्टिंग में थी, थॉर 1 में अकड़ थी उसमें कि वो ऐसा है वैसा है, वो हमेशा जंग के लिए रेडी रहता था, लेकिन उसके बाद का जो चेंजेस देखो थॉर में, कितना कूल चिल डूड वाला और थॉर है वो। कैप्टन मार्वल भी थॉर के लेवल की है? मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं कैप्टन मार्वल थॉर के लेवल की है कि नहीं है। वैसे उसको जो पावर मिली है वो स्पेस स्टोन से मिली हुई है, तो इसलिए अगर थानोस उसकी स्पेस स्टोन से पावर छीन ले या फिर किसी तरीके से कैप्टन मार्वल की पावर छीन ले, उसके बाद में जो सीन होगा वो बहुत देखने लायक होगा। वो सीन मैं देखूँगा बहुत। भाई वो ट्रिगर नहीं है, वो एंटमैन बड़ा रहा है पेंसिल है, एक मिनट में क्या ठीक से पढ़ा नहीं मैंने। भाई वो ट्रिगर नहीं है, जो एंटमैन दबा रहा है वो पेंसिल है। हाँ, वो पेंसिल तो मुझे भी लग रही थी, नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो है, लेकिन कर क्या रहा था पेंसिल का? पेंसिल का क्या काम है मूवी में? और पेंसिल ऐसी जगह पे क्यों है जहाँ पर कुछ वॉर होने वाला है, यानी कुछ लड़ाई होने वाली है या फिर कोई सस्पेंस वाली चीज़ में पेंसिल का क्या काम है? पेंसिल तो नॉर्मल हाथ से भी कर सकता था वो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो ज़रूर है। आईडी चेकिंग की वीडियो बनेंगी, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा प्लानिंग चाहिए। और जितने भी अभी मेरे छोटे भाई या कोई भी हो, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सारे के सारे लोगों के एग्ज़ाम एक बार ख़त्म होने दो। ख़त्म होने के बाद मैं आईडी चेकिंग की वीडियो खुद बनाऊंगा और आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में आईडी देना, ऐसा खुद मैं बोलूंगा जब एग्ज़ाम सभी की ख़त्म हो जाएंगी तब। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की एग्ज़ाम चल रही है, चलने वाली है, शुरू हो चुकी है और होने वाली है, तो ऐसे में कंटिन्यू योर एग्ज़ाम, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्ज़ाम। गेम को भी थोड़ी देर बंद रखो और सीधा एंड गेम में मिलेंगे अप्रैल में, तब तक अपनी एग्ज़ाम कंप्लीट कर लो, पूरे मन लगा के पढ़ाई करना। बेस्ट ऑफ लक। थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर बोलते हैं, भैया वीडियो प्ले करके पस करके भी वीडियो नहीं बनाया, ये डीसी है, डीसी नहीं है कॉपीराइट देने को। बात सही है, लेकिन क्या है, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है, वो पढ़ लो तो वो समझ में आ जाएगा कि मैं किसी भी तरीके का रिस्क नहीं उठाना चाहता मेरे चैनल पे। दूसरा एक कमेंट है, ये कमेंट देख के आपको काफ़ी हंसी आएंगी। भाई कुछ लोगों ने थॉर को कैप्टन मार्वल की शादी करा दी, वो तेरी। मैंने फिर आगे एक जोक मार दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कमेंट, कुछ नहीं हो सकता भाई हम जैसे थॉर के फैंस का, वो तो मुझे नहीं पता। अगर कैप्टन मार्वल और थॉर की शादी हो गई तो दोनों के जो बच्चे हो गए वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होंगे, काफ़ी ज़्यादा तगड़े। बस उम्मीद करो जो बच्चे होंगे वो हिला जैसी या लोकी जैसी ना हो,
स्नेक पिक 2 आ चुका है, तो स्नेक पिक 2 देखते हैं यहाँ पे क्या है। पता नहीं ये डेडपूल क्या खा रहा है, लेकिन इसके प्लेट में डेडपूल का फेस है और इसका जो सूट है वो ब्लैक कलर का है। यहाँ पर इसकी चेस्ट पे एक्स मैन का मास्क, जो बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे, एक्स मैन का लोगो लगा हुआ है। हो जा जल्दी, लगता कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, उस वजह से दिखा नहीं रहा, काफ़ी टाइम लग रहा है। जाने दो, आज का वीडियो बस इतना ही, देखते हैं स्नेक पिक का क्या होता है। वैसे तो मेरे को कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट अपडेट से, मैं सीधा एंड गेम पे जंप करने वाला हूँ और एंड गेम से मैं बहुत 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 मतलब ज़्यादा ही कुछ ताकत लगाने वाला हूँ एंड गेम में। तो आज के लिए बस इतना ही।